बहुत बढ़िया फिल्म है, पर जादू वाली चीज़ नहीं देखने मिली। डायरेक्शन अच्छा था और सबके परफॉर्मेंस अच्छे थे। आर माधवन, अजय देवगन, ज्योतिका, सबकी अच्छी परफॉर्मेंस। ओरिजिनल होता, हम कितना भी रीमेक बनाए, कितना भी उसका बनाए, पर ओरिजिनल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिल्म ठीक है, मगर इसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए थी जो मिसिंग है। अब अगर आप अजय देवगन के फ़ैन हैं, आर माधवन के फ़ैन हैं, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मगर आप जादू की बात करते ना, तो काला जादू तो वो चीज़ तो है ही नहीं फिल्म में। जादू जैसे हम चीज़ एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि कुछ जादू का चीज़ दिखाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सब चीज़ देखने नहीं मिली। हाँ, वो चीज़ नहीं देखने मिली, मतलब एक लिमिट में। बट सबका अपना अपना स्टाइल होता है, डायरेक्शन होता है। ये विकास बहल का अपना स्टाइल है, तो उन्होंने अपने स्टाइल में डायरेक्शन दिया है। लोगों को फर्स्ट वन टाइम तो देख ही सकते हैं, 3 स्टार तो दे ही सकते हैं। अच्छी थी, लाइक थोड़ी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसे ठीक ठाक थी। क्या बेहतर लगा? देखो, अभी की अगर मूवीज़ की बात करूँ, लाइक जैन से अब तक जितनी मूवीज़ आई ऑलमोस्ट देखी है, और ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ें देखने को मिल रही थी। लाइक ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 जो मंथ स्टार्ट है, इसमें अभी तो कुछ नया इस साल देखने को मिला है। वशीकरण के ऊपर स्टोरी है, तो थोड़ी सी यूनिक तो देखने को मिली है। वैसे वश देखी नहीं है, बट ऑलमोस्ट जितना वश के बारे में सुना है, जितनी मैंने उसकी स्टोरी के बारे में रीड किया है, तो वश की जो स्टार कास्ट थी, सेम स्टार कास्ट आपको इसमें नजर आने वाली। इवन उनकी एक्टिंग स्किल इस मूवी में और ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलने वाली है। मूवी पसंद आ सकती है, नो डाउट, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक हमें ऐसी कोई मूवी देखने को मिली है जिसमें थोड़ी सी स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छी देखने को मिली है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं स्टोरी थोड़ी सी और शॉर्ट हो सकती थी, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। वो चीज़ें अगर थोड़ी शॉर्ट रही होती तो आई गेस और अच्छी स्टोरी कॉन्सेप्ट बन सकती। देखो, इसमें तो पूरी ऑलमोस्ट एक रात की कहानी के बारे में बताया गया कि किस तरह से वशीकरण किस हद तक हो सकता है, किस तरह से किसी की जान पे आ सकता है, वो पूरा इन डिटेल इसमें दिखाया गया है, जो रियल लाइफ में आई गेस किसी को इतना अंदाजा नहीं होता होगा। 3.2। मुझे उतना, मतलब जितना मैंने सोचा था ट्रेलर देख के, उतनी मुझे एक्साइट नहीं किया पिक्चर ने। तो पिक्चर का जो सब्जेक्ट था वो वैसा होता है, काला जादू होता है, लेकिन अभी जैसे भूत ने पकड़ लिया या काला जादू है, तो वो फिर सेंस में नहीं रहते हैं। इसमें ऐसा 50-50 दिखाया कि वो बोल रही है, हाँ सेंस में भी है और प्लस बोल भी रही है, और ऊपर से चाकू भी मार रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रिप्ट में गड़बड़ था। लास्ट में जो था वो थोड़ा अननेचुरल लगा, कि अजय देवगन अकेला भाग रहा है इतनी वो थोड़ा मुझे अननेचुरल लगा। लास्ट का जो सीन था, वो जीप काटता है, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक्चुअली बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अच्छे से पिक्चराइज नहीं किया। मतलब जो हॉरर बोलते हैं ना, बहुत दिन से हॉरर फिल्म आई नहीं है, तो या तो हॉरर कॉमेडी हो या तो एकदम डरावनी हो, तो ये दोनों के बीच की थी। मतलब आर माधवन का काम तो अच्छा था, और अजय देवगन तो है ही परफेक्ट एक्टर। काम का मतलब किसी का काम अच्छा, सबका अच्छा था। वो ज्योति के लिए तो कुछ करने लायक ज़्यादा था ही नहीं, लड़की ने भी अपना काम अच्छे से किया, लेकिन इसको और हॉरर बनाया जा सकता था जो नहीं था। फैमिली फिल्म वाले तो देख सकते हैं, क्योंकि इतना कोई डरावना तो नहीं है। और जहाँ तक अजय देवगन की बात है, वो अपनी पर्सनल फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है अपनी बेटी, उनकी बेटी को देख के इतने खुश होते हैं वो, और मतलब फैमिली मैन ही है वो, तो फैमिली के साथ पिक्चर देख सकते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा शिक्षा भी है कि कुछ भी ऐसा कुछ खाने पीने को दे तो मुँह उठा के खा मत लो फटाक से, ये चीज़ मत करो, तो वो बच्चे लोग देख सकते हैं। और मतलब वुमेंस ये कोई भी इसमें ये नहीं है, ख़राब नहीं है, फैमिली देख सकती है। मतलब वन टाइम वॉच तो है, ऐसे मैं नहीं बोल सकती एकदम और बोरिंग है ऐसा। ये फिल्म वश की रीमेक है, अगर आपने वश फिल्म देखी है, मराठी, क्या सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंसेस आपने महसूस किए? ये गुजराती फिल्म की रीमेक है ना, मैंने एक्चुअली वो नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी बनाई है, बस थोड़ा सा हॉरर और होती ना तो और मज़ा आता। क्या
पांच में से क्या रेटिंग्स देंगे? दो में दो या ढाई बस, हाँ, और अच्छी बन सकती थी मतलब। मुझे ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना डर लग रहा था, दो तीन मिनट जब सॉन्ग के साथ वो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब फिल्म चलना स्टार्ट हुई ना, मतलब मुझे लगा क्यों नाम रखा आपने शैतान, मुझे पूछने का दिल किया उसी टाइम, क्यों रखा आपने शैतान, तो नहीं रहना चाहिए था। वशीकरण पर ये फिल्म है, तांत्रिक आर माधवन जो एक तांत्रिक जैसी भूमिका निभाते हैं, वश में लाते हैं लोगों को और फिर उनको महान बनना रहता है उससे, लेकिन शैतान तो टाइटल नहीं ही होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे भूतिया फिल्म बना रहे हो जिसमें लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो इसमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, तो शैतान उस मूवी के लिए टाइटल अच्छा होता, बट इसके लिए तो शैतान नहीं। आप रख सकते थे वशीकरण, मुझे लगता है वशीकरण रख देते लोग, शायद लोग देखने भी जाए इस वशीकरण, आपने रख दिया। शैतान क्यों रखा आपने, नहीं रखना चाहिए था। हाँ मुझे टाइट कहानी मुझे लगता है मुझे सेकंड हाफ देखने का दिल कर रहा था, फर्स्ट हाफ देखने के बाद मैंने देखा मैंने, ऑब्वियसली इतनी डरावनी नहीं थी, मुझे सब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुझे लगा भाई डरावनी होगी, बट इतनी डरावनी नहीं थी, सब आके सब लोग देख सकते हो। बट हाँ मैं ये वॉर्न करूँगी, बच्चे आके मत देखो, क्योंकि ना चीज़ें ना उनके दिमाग में बैठ जाती है, तो बच्चे ना देखें, जितने भी नौजवान हैं वो आके देखें फिल्म, एंटरटेनमेंट पर्पज से लो, अच्छी फिल्म है, लेकिन ना वो मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, लास्ट में जब वो जीप काट देता है एंड ऑल, मतलब भाई ये पहले कर लिया होता, इतना कर इतना ज़रूरत ही नहीं था ना, तो मतलब ठीक है, ठीक ठाक फिल्म है, एक टाइम आप देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना अपना। एक्टिंग भाई साहब, आर माधवन ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और मैं बात करूँ तो ज्योति मैम की, जानकी, जो पहले भी फिल्म कर चुकी है गुजराती में, मतलब जानकी ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और अजय सर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे इतना एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, सॉरी, बट हाँ सब कुछ अच्छा था एक्टिंग के मामले, और म्यूज़िक तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग। जी जी जी, उसमें भी जानकी बोड़ी वाला ने काम किया था। हाँ उसमें डिफरेंस था कि जब उसमें ना चीज़ों को इतने अच्छे से दिखाया गया था, और इसमें ना चीज़ों को बहुत ही हाँ कर दिया गया, तो ये तो बात है, इलाबरेट तो किया ही गया था, लेकिन ना कहीं इसमें ना एंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी थी, उसमें एंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है ना लोग उस फिल्म की तरफ ज़्यादा जाएंगे, इस फिल्म की तरफ लोग कम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप गुजराती में ही एक बार देख लो, समझे ना समझे, लेकिन अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। आई थिंक लोगों को, मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए, बट जिसको नहीं आएगी वो मेरी तरह होंगे, और जिसको आएगी वो आपकी तरह होंगे शायद। आपने दिया लेकिन हाँ मतलब ठीक है, देखने लायक फिल्म है, आप देखिए। रेटिंग्स 3.5। थैंक यू सो मच।